लोकसभा के बजट सत्र में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल सदन की परंपराओं के तहत सुबह प्रश्नकाल चल रहा था। लोकसभा में स्पीकर जिस सदस्य का नाम बोलते वो अपना सवाल पूछता और संबंधित विभाग का मंत्री उसका जवाब देता। इस बीच राजस्थान के करौली धौलीपुर सीट से कांग्रेस के सांसद भजन लाल जाटव ने राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर एक सवाल पूछा। तो क्या था ये सवाल और क्या दिया मंत्री जी ने जवाब, देखिए। भजन लाल जाटव, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं? हाँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल हैं और मुंबई एक्सप्रेस वे से पिनान से लेके महुआ, महुआ से लेके करौली और करौली से कैला देवी, आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखते हैं क्या? पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हो ना, जानते हो कैसे घोषित होता। सवाल साफ था कि किसी भी सड़क को नेशनल हाईवे घोषित करने के नियम क्या हैं, और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा इसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी, राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने, नहीं अपने लोकसभा के बारे में जानकारी दी है। अरे, और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको, प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, लोकसभा स्पीकर लगातार टम्टा को बताते रहे कि सवाल क्या है, लेकिन मंत्री जी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा और उन्होंने सरकार के आंकड़े रखने शुरू कर दिए। 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144, वैजयंत पांडा जी। ओम बिरला को जब लगा कि मंत्री गलत जवाब दे रहे थे तो उन्होंने अगले सदस्य का नाम ले लिया और टम्टा को बैठने के लिए कह दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब मंत्री को सवाल ही समझ में नहीं आया तो वो जवाब कैसे देते। डीवी लाइव की रिपोर्ट।